पतंग और तेरी नजर मांझा, मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए। हैप्पी मकर संक्रांति। इस वक्त जयपुर में मकर संक्रांति का एक अनोखा पर्व देखने को मिलता है, एक अलग माहौल देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति पर बच्चों में उत्साह अलग रूप में होता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टार किड्स हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या सोचना है। कैसे आप संक्रांति मनाने वाले हो, कैसे मनाते हो? अब मुझे रात को लालटेन उड़ाने और पापा कह रहे हैं कि मुझे पापा मुझसे बड़ी बड़ी पतंगे उड़वाएंगे। कैसे संक्रांति मनाते हो आप? पतंग उड़ा के मनाते हैं हम संक्रांति। बिल्कुल, और बच्चे से बात करते हैं, कैसे संक्रांति मनाते हैं? पतंग उड़ाते हैं रात को पटाखे। क्या क्या करते हो? मनोरंजन करते हैं हम संक्रांति पे, पतंग उड़ाते हैं, बॉल बैट बॉल खेल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, फैमिली के साथ मिल लेते हैं, सब फ्रेंड्स मिल लेते हैं, फैमिली वाले मिल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों में उत्साह पतंग को लेकर अलग रूप में देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं मकर संक्रांति का पर्व बेहद खास है। लेकिन इस खास पर्व पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम बेजुबान पक्षियों को भी बचाएं। इस वक्त मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं जयपुर पिंक सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ की पतंगबाजी देश भर में प्रसिद्ध मानी जाती है। एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा आसमान का, आपको आसमान में तरह तरह की पतंगें नज़र आ जाएंगी, जिसको लेकर उत्साह काफ़ी दिनों पहले ही शुरू हो जाता है। और पतंगबाजी का उत्साह विशेष रूप से जयपुर में एक अलग रूप में देखने को मिलता है। छतों पर आपको लोग नज़र आ जाएंगे, एक ऐसा नज़ारा होता है यानी कि आप कह सकते हैं कि दिन में पतंगबाजी और शाम को दिवाली जैसा माहौल पिंक सिटी जयपुर को इस वक्त देखने को मिलता है। और इसी वक्त मैं जयपुर पिंक सिटी में एक घर पे मौजूद हूँ, जहाँ पतंग का उत्साह चल रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं जो पतंग का उत्साह और आम बना रहे हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से पिंक सिटी की पतंगबाजी इतनी खास मानी जाती है। सर, पिंक सिटी की बात की जाए, पतंगबाजी के नाम मशहूर है, कैसे पतंगबाजी इतनी खास हम मानते हैं इसको? पतंगबाजी यहाँ पे राजे रजवाड़ों के टाइम से चली आ रही है, और पतंगबाजी का ये जो त्यौहार है ये 14 तारीख को ही परवान चढ़ता है, पर इसका जो आगाज़ है वो नवंबर के महीने से शुरू हो जाता है। आजकल की जो पीढ़ी है वो पतंगबाजी में सोशल मीडिया में जाने की वजह से इतना इस त्यौहार में इतनी रुचि नहीं दिखा रही है, पर हमारे टाइम में जब हम अपने स्कूल से आते थे तो हमें याद है कि हमारी माताजी हमें पुकारती रहती थी कि पहले स्कूल से आके अपना भोजन कर लो, पर हम 5 बजे तक नीचे उतरते ही नहीं थे, हम पतंगबाजी में लगे रहते थे। ये कह सकते हैं सर, आज का सोशल मीडिया ने लाइफ चेंज की? बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि सोशल मीडिया ने पूरी लाइफ चेंज कर दी है आजकल के बच्चों की। आजकल बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रति उनका रुझान ही नहीं है, इसीलिए हमारा जो देश है वो डिजीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, पतंग का क्रेज़ और एक अनुभव आप शेयर करना चाहें। देखिए, राजस्थान का जो जयपुर शहर है ये अपनी पतंगबाजी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, और यहाँ महाराजा राम सिंह जी ने ये पतंगबाजी का दौर शुरू किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि जब सर्दी पड़ती है तो 14 तारीख को सूर्य जो है वो उत्तर से दक्षिणायन की तरफ आता है, तो थोड़ी गर्मी पड़ती है, तो लोग छतों पर आते हैं, और इसमें विशेष रूप से तिल के लड्डू, फैनी, और इससे उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आजकल आप देखिएगा कि महंगाई की जो मार है, जो देश में इस समय GDP ग्रोथ 5% है, आज हर चीज़ महंगी हो गई है, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसका इफ़ेक्ट त्यौहारों पे भी आया है। जो ये पतंगबाजी जयपुर के लिए एक बहुत ही फेमस त्यौहार था, जिसको विदेशों से लोग देखने आते थे, अब उसमें भी गिरावट आने लगी है, क्योंकि लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, तो पतंगबाजी कैसे करेंगे? त्यौहार तभी मनाया जाता है जब आदमी के घर में आमदनी इतनी हो कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के बाद त्यौहार मनाए। बिल्कुल, पतंगबाजी के पर्व कहीं ना कहीं महंगाई ने इस त्यौहार की रौनक काफ़ी बिगाड़ दी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग, उनसे जानते हैं वो कैसे इस पतंग के फेस्टिवल को मनाते हो, कैसे इन्जॉय करते हो? इट्स अ कलरफुल इवेंट, लाइक सुबह से लेकर शाम तक वी आर ऑल ईटिंग सेलिब्रेटिंग, and all the festivals are meant to be celebrated, right? तो basically like पुराने ज़माने में क्या, मतलब मेरे बचपन में हम सुबह 6 बजे उठ के भागते थे पतंग उड़ाने के लिए कि हाँ अच्छा है सुबह से स्टार्ट करेंगे, बट जैसे जैसे अगेन जैसे उन्होंने पहले बोला कि डिफरेंसेस आई हैं, तो हाँ हर फेस्टिवल का एक इम्पोर्टेंस है, हमें उसको समझना चाहिए, हमें हिस्ट्री में ज़्यादा मतलब बिलीव करना चाहिए कि जो पहले था हाँ वो रिलेटेबल है। आप एक यंग है, क्या लगता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और इसने त्योहारों की रौनक खत्म की है, क्या लगता है, क्या सोचते? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक सोशल मीडिया त्योहार मतलब हाँ लोग उन्होंने
एसेंस को नहीं ख़त्म करा है, दे आर वो लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एग्जैजरेट करके दिखाते हैं कि हाँ हर चीज़ का एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट हमें उस चीज़ को रियलिटी में भी देखना चाहिए. सोशल मीडिया इज़ अ गुड वे टू एक्सप्रेस थिंग्स. अनुभव शेयर करना चाहे पतंगबाजी को लेकर, पिंक सिटी की पतंगबाजी की जब बात होती है तो माहौल कुछ अलग होता है, आप भी अपना कोई अनुभव शेयर करें. हाँ, मैं यहाँ 28 साल से रह रही हूँ जयपुर में, एंड आई एम नॉट अ राजस्थानी, मैं बिहार से हूँ, और बिहार में पतंगबाजी होती होगी पर इस तरह से नहीं दिखता. जयपुर अलग एक रंगीन सिटी है, एक्चुअली गुलाबी नगर है, आपके मिजाज गुलाबी हैं, खान पान गुलाबी है, पहनना ओढ़ना इन्जॉय करना हर चीज़ में बहुत बढ़िया रस है. तो इनिशियली हम जिस मोहल्ले में रहते थे उसी एरिया को देखा करते थे, खेलते थे, बच्चे लोग सब इन्जॉय करते हैं हर तरह से, इट इज़ अ नाइस फेस्टिवल. पर शहर के अंदर जो गुलाबी नगर के अंदर जो वॉल्ड सिटी है, यहाँ पे जो असली फेस्टिवल है काइट फेस्टिवल, मतलब इतने काइट्स आप बाहर चले जाइए नहीं दिखाई देगा. ब्यूटीफुल, सारी फैमिलीज छत के ऊपर आई हुई हैं, सब इकट्ठा होकर के खेल रहे हैं, बड़ा बच्चा बूढ़ा कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, सब खेल रहे हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि अजनबी भी ज्वाइन इन कर रहे हैं, बाहर से कोई टूरिस्ट भी आया है तो वो भी आके इस चीज़ को इन्जॉय कर पा रहा है. एंड खाने का जो स्वाद है आज के दिन तो खास ही है. बिल्कुल, जयपुर पिंक सिटी की जब बात आती है, पतंगबाजी की त्यौहार की बात आती है, तो जयपुर का माहौल रंगारंग दिखाई देता है. दिन में आप पतंगबाजी का लुत्फ़ देख लेंगे, लेकिन शाम होते होते आपको आसमान में आतिशबाजी और लालटेन की रौनक नज़र आ जाएगी. इस वक्त जयपुर का माहौल में एक बार फिर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जयपुर में इस वक्त पतंगबाजी का दौर लगातार जारी है. सुबह से छत पे लोग पहुँच जाते हैं और पतंगबाजी का आनंद लेते हैं, और यह आप उत्साह भी देख सकते हैं इस वक्त पतंग के इस उत्साह जब भी नज़र आपको नज़र आ जाएगा, तमाम उत्साहवर्धक यहाँ पे आप छतों पे आप देख सकते हैं. तो ये पतंग का जो फेस्टिवल ना सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे देश में, पिंक सिटी का ये पतंगबाजी का पर्व काफ़ी खास माना जाता है. इस वक्त यही है कि पिंक सिटी जयपुर की पतंगबाजी बेहद खास है, और एक विशेष संदेश भी हम देना चाहेंगे कि पतंग जरूर उड़ाए लेकिन बेजुबान जानवर, बेजुबान पक्षियों का भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है. कैमरामैन अमित पारीक के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, नवतेज टीवी जयपुर. देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी.